हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बासमती राइस से बनी खीर की रेसिपी, और इसे मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट मिक्स से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी से बन करके रेडी हो जाती है, और इसे बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में इसमें शेयर करूँगी कि कितनी क्वांटिटी में हमें इसमें सारी चीज़ें लेनी है जिससे आपकी जो खीर है वो एकदम परफेक्ट बने और इंस्टेंट बने। तो चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बासमती राइस खीर का पैकेट ले लिया है, और यहाँ पर ये इसका जो वेट है 100 ग्राम है। 100 ग्राम का पैकेट ही मैंने परचेस किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने गेट्स ब्रांड का ही लिया हुआ है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और ये 15 मिनट्स में बन करके रेडी हो जाती है, बहुत इंस्टेंट बनती है। और यहाँ लिखा है कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स, कलर वगैरह इसमें ऐड नहीं है, ये आप नेचुरल तरीके से इसे बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए पीछे कितनी ईजी स्टेप्स दी हुई हैं। बस इसमें हमें कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ मिल्क ऐड करना है, और यहाँ पे हमें 600 के करीब मिल्क ऐड करना है जिससे हमारी बहुत ही अच्छे से खीर बनके रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कितने मिनट इसको कुक करना है, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना आ जाए, और उसके बाद फिर आप इसे ठंडा या गर्म सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए इसका जो है लिखा हुआ है ये 125 ml ईच अगर हम बनाते हैं तो इतना ये बन करके रेडी होगा, और ये 65 rupees में मैंने परचेस किया है। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं, हमें ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं करना है ऐड, मगर आप चाहें तो इसमें गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं ऊपर से। और यहाँ कप साइज़ दिया है 150 ml, और यहाँ पर जो मेरा कप है वो 250 ml का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितना पैकेट के ऊपर मिल्क दिया हुआ है क्वान्टिटी में, उसी के अकॉर्डिंग हम मिल्क लेंगे और इसी कप के मेज़रमेंट से लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप जो 500 ml मिल्क का पैकेट आता है उसका यूज़ करके भी ले सकते हैं। अब इस पैकेट को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर देखिए इस तरह का ये पाउच दिया हुआ है। अब इस पैकेट को हम सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं, और इसमें किस तरह का मिक्सचर दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए इस तरह का ये मिक्सचर दिया है। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ एक बोल, और ये जो सारा मिक्सचर है इस बोल में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये मिक्सचर देख सकते हैं, इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स सारी चीज़ें ऐड है, हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। और जो राइस है वो काफ़ी छोटे छोटे इसमें दिए हुए हैं, जो बासमती राइस इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही छोटे से राइस है, इसमें आपको समझ में भी नहीं आ रहे होंगे कि राइस कहाँ है। तो यहाँ पर ये देखिए, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर ये देखिए देख सकते हैं इस तरह से ये मिक्सचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करते हैं मिल्क। तो यहाँ पे मैंने इसमें लिया है ये 250 ml, पहले हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आप यहाँ पे मिल्क कोई भी ले सकते हो, बस ज़्यादा पानी मिक्स किया हुआ पतला मिल्क यूज़ ना करें। ये हमने 2 कप डाल दिया, मतलब ये 500 ml हो गया, और वापस हम इसमें 100 ml मिल्क ऐड करेंगे। तो ये हमारा टोटल 600 ml मिल्क इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसे स्पून की हेल्प से पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम पैन में इसे रखेंगे बॉयल होने के लिए। इस मिक्सचर में आपको पहले ही मिल्क ऐड कर लेना है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद ही इसे कुक होने के लिए रखना है, जिससे खीर में कोई भी लम्स नहीं बनेंगे। अब इसे हम रखते हैं कुक होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे, और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। और इसे बनाने के लिए आप मोटे तले वाला ही पैन का यूज़ करें, या फिर नॉन स्टिकी पैन का यूज़ आप कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी बहुत ही पतला है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत थिक नहीं हुई है, तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से स्टेयर करते हुए कुक करना है। और यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे जो राइस है वो बहुत ही छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो इसी तरह से अभी हमें इसे कुक होने देना है और 10 मिनट के लिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसे कुक किया है, और ये अच्छा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है जैसा हमें खीर के लिए चाहिए है, और इसका कलर भी हल्का सा येलोइश सा हो गया है। और अब आपको यहाँ पर ये जो चावल है बहुत ही छोटे छोटे से दिख रहे होंगे खीर में, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और ये खीर भी अब बन करके रेडी है। मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ठंडे होने पर थोड़ी सी और गाढ़ी आएगी। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी में आपको ये बनाना है खीर, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो खीर है अब ठंडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए, तो आप ये डाल सकते हैं ऊपर से ताकि दिखने में भी और अच्छे दिखें। तो इस तरह से अब हम ये ड्राई फ्रूट्स इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी बासमती राइस की खीर बनकर के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो तो आप ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपके यहाँ पे कोई ओकेशन है या फिर कोई पार्टी है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट तरीके से। अब मैं आपको स्पून से इसका ये टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का है और ये खाने में बहुत अच्छी है। तो आप इस खीर को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।